अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग है गुलशन पार्क का। जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ा होगा कि मेरे बचपन की यादें, तो काफ़ी अरसा दराज पहले मैं गुलशन पार्क में आया करता था। आज तो गुलशन पार्क बिल्कुल खाली है, हर तरफ जंगले लग चुके हैं, पार्क को बेसिकली कवर कर दिया है। झूलों वाली साइड जो है उसको भी इन्होंने कवर कर दिया हुआ है और दूसरी साइड को भी इन्होंने कवर कर दिया हुआ है। इसमें आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ की कि आप अपने फैमिली के हमरा यहाँ पर घूमने फिरने आ सकते हैं। तो चले आएँ, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि बेसिकली क्या मेरी बचपन की यादें थी, किन किन झूलों में मैं बैठता था। झूले तो मुख्तसर से दिखाऊंगा, मगर आपको एक पूरा विज़िट करवाऊंगा इस पार्क का। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे बताएं आप लोग क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वही शूट करूँगा। यहाँ से गेट नंबर 1 हुआ करता था, वो तो इन्होंने कर दिया हुआ बंद, क्योंकि बहुत ही बड़ा एकसानिया हुआ था। उसके बाद यहाँ से गेट बंद हो गया। इसके पास है जी बेसिकली ड्रैगन है, सुपर कार है, और सामने वो देख सकते हैं हल्ली गुल्ली है। तो इस तरफ अगर मूव ऑन करें तो इस तरफ ये बच्चों के लिए, छोटे से बच्चे जो होते हैं उनके लिए एलिफेंट है, और इसमें सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं। ये टिकट घर है इनका, और इस टिकट घर में काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरफ ये किसी दौर में भूत बंगला हुआ करता था, मगर अब इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको एक जगह और लेके चलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक झूला जिसने मेरा गुलशन पार्क छुड़वा दिया था, वो है सिम्बा टावर। इस सिम्बा टावर पे मैं बैठा हुआ था और बेवकूफ़ों वाली बचपन में एक हरकत किया करता था। वो क्या हरकत थी कि इसके अंदर ना ये देख सकते हैं आप, एक बार लगा होता है, रॉड बार। आपकी बैक साइड पे एक रोड बार है, वो रोड बार आपको ना बाइक स्लिप होने से रोकता है। मैं उस रोड बार को ऊपर करके वायर्स को पकड़ के नीचे लटक जाता था। लटकता कब था, ये बेसिकली 3 स्टेप में जाता है। थर्ड स्टेप ऊपर जाके जब वापसी आता है ना, तो ये ऑफ़ हो चुका होता है, आप उतनी देर रह सकते हैं। मगर मुझे लगा कि शायद ये ऑफ़ हो रहा है, ये ऑफ़ नहीं हुआ, ये ऑन हुआ था। और मेरे से ज़्यादा देर नहीं लटका गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो इसके ऊपर वायर्स लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इधर ना बजरी वाली वायर होती थी, बजरी नुमा वायर, ऐसे कंडों वाली। तो ये मेरे गिरने के बाद इसके ऊपर से काटी गई थी। और मैं अगले किसी झूले पे आपको दिखाऊंगा। मेरा पाँव इस बॉल में लगा था, ये बॉल टूट गया था, और मैं इतनी थ्रो आउट था कि मैं वहाँ जाके पीछे गिरा था। और तब मेरे ये बैकबोन का मसला बना था। काफ़ी देर मैं बेड रेस्ट पे भी रहा। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता कवर हुआ, और फिर उसके बाद मैंने गुलशन पार्क को अलविदा कह दिया। काफ़ी देर नहीं आया, तो आज बड़े अरसे बाद आप लोगों के पास आया हूँ, आप लोगों के साथ आया हूँ। तो चलें आगे चलता हूँ और आपको बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। ये बेसिकली बहुत ही लोगों का फेवरेट झूला होगा, आसमानी झूला, मगर ये मेरे फेवरेट झूलों में नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत कम इसको यूज़ किया है। इधर जितने भी आप झूले देख सकते हैं, इनको मैंने बहुत कम लिया है। सो मेन मेरे जो 2 झूले हुआ करते थे, एक ड्रैगन, एक सिम्बा टावर, यही 2 झूले मैं बड़े शौक़ से लेता था। यहाँ उसके बाद आप इस तरफ आ जाएँ तो ट्रेन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, मगर वो वक्त के साथ साथ शौक़ भी ख़त्म हो गया और सारा कुछ छूट गया। बेसिकली ये देखिए, इस तरफ ये ना कंटीन है, ये कंटीन अब बंद हो चुकी है, मगर तब ये बड़ी फ़ेमस कंटीन हुआ करती थी। और एक कंटीन पीछे थी। और आपने लगता है मेरा अभी तक व्लॉग, ज़िप लाइन वाला व्लॉग नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज़िप लाइन। ये गुलशन पार्क में एक न्यू एंट्री है जिसमें कि बहुत ही हैवी ड्यूटी कि जो आप मरी वगैरह जाते हैं इधर उधर, तो वही चीज़ सेम आपको पंजाब में, लाहौर शहर में, गुलशन पार्क, इलाहाबाद टाउन में मिल रही है। तो इस तरफ कंटीन है। अब तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मगर हम लोग कंटीन से बेसिकली खाते नहीं थे, घर पास था, जो कुछ भी खाना होता था वो साथ लेके आते थे। ये देखें, ये कंटीन है। और अब काफ़ी वो ये बाउंड्री वाल करने की वजह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना चेंज हो चुकी हैं। पहले सीटिंग जो है इसके अंदर हुआ करती थी, अब सीटिंग बेसिकली बाहर है। और मोटर कार आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं। और सबसे फेवरेट जो था मेरा स्केटिंग, मुझे एक दौर में बहुत ही ज़्यादा स्केटिंग का जोश चढ़ा था। चलें अब आपको स्केटिंग के पास लेके चलता हूँ जी। बेसिकली आ चुका हूँ मैं स्केटिंग के पास, और वो ज़िप लाइन है, वो देखिए वो जो लड़का जा रहा है तार पे, इसे ज़िप लाइन कहा जाता है। और ये ज़िप लाइन की पूरी वीडियो है, लिंक नीचे भी दिया हुआ और आई बटन में भी आ रहा है। अब पता नहीं यहाँ पर स्केट्स हैं कि नहीं हैं, तो चलें अंदर चलता हूँ, आपको पूछ के बताता हूँ। और वीडियो थोड़ी लेंथी है, मगर जितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए बना रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ से जो है वो मिल जाएंगे। सो ये जी बास्केटबॉल पूल हुआ करता था किसी दौर में, इधर बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल भी खेला हुआ है, स्केटिंग की हुई है, मगर स्केटिंग हमने ज़्यादा की हुई है। काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं आज भी इधर स्केटिंग वाले मौजूद हैं। इस तरफ देख सकते हैं और इस तरफ देख सकते हैं। तो ये समझ लें कि उन गेमों में बचपन की कुछ यादें जो कि मुख्तसर सी करके इंसान के साथ रह जाती हैं, वक्त के साथ साथ बदल जाती है, रूटीन बदल जाती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। बिलीव करो, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 10 साल बाद भी वही कीमत 50 रुपये। लें जी, स्केट्स अभी भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन में भी हैं, फोर व्हील में भी हैं। और अभी भी सर 50 रुपये का घंटा कि आधा घंटा? आधा घंटा, पर तब घंटा होता था, हल्का सा फ़र्क है, मगर 50 रुपये, वो भी 10 साल में कोई चेंज नहीं आया। 2011 में कभी आके इधर मैं स्केटिंग किया करता था, और अब देख लें कि 2011 के बाद आए हूँ तो अभी भी वही चीज़ है। तो चलें चलते हैं आगे, अब आपको मज़ीद चीज़ें देख के। तो अब मेरी बैक साइड पे बेसिकली जो है ये आबशार लेफ़्ट साइड पे आ गई है, और बैक साइड पे बड़ा पार्क है, गोल बाग इसे हम लोग कहते थे, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, आप जो भी कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आबशार के ऊपर चलें, आबशार के ऊपर चलें, आबशार चल तो नहीं रही मगर चलें, आपको आज आबशार ऊपर से चल के दिखाते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो और एक मरतबा मैंने बचपन में एक सीन देखा था, आज तक नहीं भूल पाया, तो चले आएँ आपको वो भी पूछ के बताता हूँ। इस टाइम मैं आ चुका हूँ ऊपर पहाड़ी पे, और अक्सर जब आबशार चलती होती थी तो क्या होता था कि जितने भी छोटे बच्चे होते थे वो सारे ऊपर आ जाते थे। यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाना, उसमें कोशिश करना कि गिरे नहीं। ये जंगला जो है बेसिकली लगाया इसलिए गया हुआ है कि जब ये चलता है यहाँ पर काई होती है, और मैंने एक मरतबा, अल्लाह माफ़ करे, कि एक हादसा देखा था, लड़का यहाँ से स्लिप हुआ था, तो समझ लें कि एक भाई ने यहाँ से दौड़ के जाके वो एंड से पकड़ा था, अगर वो ना पकड़ता वो नीचे गिर गया हुआ था। और ये आज से गालबन कोई 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। सो चलें दूसरी तरफ चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। लें जी, ये लें, रिसेंटली ये देखे वापस नीचे आ गया। और ये जो है ये पूल बना हुआ है यहाँ पर, एक छोटा सा पूल जिसमें बैठ के बच्चे जो बड़ा इंजॉय करते रहे और फैमिलीज़ भी। मगर बेसिकली यहाँ पे हमें मसला पता किस चीज़ का आता था, गार्ड बहुत ज़्यादा तंग करते थे। गार्ड्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं यहाँ के, और आपको जो भी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वो आके मना करते हैं कि ऐसे ना करो वैसे ना करो। इंतज़ामिया फिर पता आपको हर जगह की एक इंतज़ामिया होती है, और एक चीज़ ये नहीं चली हुई है यहाँ करें, ये एक मोटर जो है नहीं चली हुई है, और लोग इस पर जो है बड़ा आजकल सफ़र कर रहे हैं। मगर हम अपना गुलशन पार्क पैदल ही फिरेंगे। और अब आपको लेके चलता हूँ गुलाब बाग, इसमें बहुत ज़्यादा क्यारी जो हैं, बहुत ज़्यादा फूल जो हैं वो गुलाब के लगे हुए हैं। और इसके बाद आएगी हमारी फेवरेट ग्राउंड, जंगल ग्राउंड, जिसमें मैं, मेरे कज़न, मेरे दोस्त, अक्सर हम लोग जो है क्रिकेट खेलने आया करते थे, और बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा चिल हम लोग करते थे, और बहुत ही हमें मज़ा आता था कि यार वो स्पेशल 2 दिन जो है हमारे होते थे, सैटरडे संडे, तो वो हम लोग क्रिकेट का समझ लें ज़्यादा टाइम जो है इधर ही बिताते थे। दूसरी तरफ तो ये क्यारियाँ देख सकते हैं, अभी तो इनमें फूल बहुत छोटे हैं, मगर इंशाल्लाह ताला 1-2 माह तक ये फूल सारे जो है बड़े हो जाएंगे, पौधे बड़े हो जाएंगे, फूल निकल आएंगे। अभी ये देख सकते हैं गुलाब के कुछ फूल हैं वो लगे हुए हैं, और कुछ अभी यहाँ पर लगना बाकी है। जी अब मैं पहुंच चुका हूं जंगल बाग, जिसका हमने नाम डाला था जंगल, इसको जंगल बाग हम क्यों कहते हैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं जंगल बाग हम इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये घने जंगल हैं, घना जंगल कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, और दरख्तों के नीचे ना पौधे लगे होते थे, मगर अब इन्होंने पौधे लगाए हैं। वैसे ये टोटली जंगल नुमा एक लुक देता है कि आप इसको जंगल बाग इसलिए कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है दरख्त हैं। अगर आप ऊपर से देखना चाहें तो आप इसको नहीं देख सकते, और नीचे से अगर आप देखें तो हर लाइन में इसमें दरख्त लगे हुए हैं, क्रॉसिंग में भी दरख्त हैं, वैसे भी दरख्त हैं। तो हम लोग इसके अंदर ना क्रिकेट खेलते थे, वो लास्ट पे वहाँ पे ना थोड़े दरख्त कम है, ये सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे दरख्त नहीं है। यहाँ पे पिच होती थी इस पोल के पास और लाइट पोल के पास और उस लाइट पोल के पास, तो दोनों साइड से पिच हुआ करती थी जिस पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। मगर अब तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, और मुझे पता है कि आप लोगों से ये बातें शेयर करके कितना को अच्छा लग रहा है, और कितना को मुझे खुशी हो रही है कि यार चलो एक मरतबा अपना बचपन भी जो है ना वो शेयर आउट करने का मौका मिला। इसी वीडियो को आज यहाँ पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बैक साइड पे झील है, और मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कुछ कर रहा है, तो चले आएँ उसके पास चल के देखते हैं वो क्या कर रहा है और वो क्या करना चाह रहा है।